भाई लड़की अवेलेबल है रिश्ता के लिए। हम आ गए कॉर्निश साइड में। बाय कर रहे ना, ये देखो मैंने इतना पूछा। अभी मैं हूँ स्कूल में और अभी स्कूल में एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी, जो भी सेलिब्रेशन होगा वो है। प्लस आज हमने सोचा है कि आज हम सारे फ्रेंड मिलकर आफ्टर स्कूल चलते हैं गोलगप्पे खाने के लिए। सो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि मैं स्कूल ऐसे ही आ गई थी बिना कुछ खाए पिए। तो मैं जल्दी से चाय पी लेती हूँ पहले, इससे पहले कोई काम आए, क्योंकि स्कूल में आने के बाद कुछ ना कुछ काम आता ही रहता है। नो दिस इज नॉर्मल। ओके वेट वेट वेट। मंगवाई थी चीज़ ब्रेड और चाय मैं घर से बनाकर लेकर आई थी, क्योंकि मुझे बाहर की चाय पसंद आती नहीं है। अभी मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय। दिस इज माय टी, दिस इज माय चीज बन एंड नाउ आई एम एंजॉयिंग लॉर्डस। तो पीछे लॉर्डस भी अभी ब्रेकफास्ट कर रही है, वो भी मेरे साथ ही आई थी तो हम बहुत लेट आए थे। नाउ वी आर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट। सो आज है मदर्स डे। मॉम हैप्पी मदर्स डे नाय। सो वी कॉल आवर मॉम लाइक नानाई। सो नानाई, या ओके, या इन आवर लैंग्वेज। So nay, happy Mother's Day and lagi kang mag-iingat dyan. And maraming salamat sa lahat ng pag-aaruga mula nung pagkabata. And thank you and I love you so much. See you soon. Aaj hai Mother's Celebration Day hamare school mein. ये हमारी प्रिटी प्रिटी टीचर्स हमेशा ट्रेनिंग करके आती हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हाईलाइट और फेमस है हमारे स्कूल में, सब पसंद करते हैं। एंड आई लाइक योर ड्रेस सो मच। थैंक यू, मैं यही बुलवाना चाह रही थी। गॉर्जियस लेडी की एंट्री। हैप्पी मदर्स डे। कुछ कहना चाहोगे आप मदर्स डे? आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आज मदर्स डे है, आज इंडिपेंडेंस डे है मेरे लिए। ओके, और आज कलरफुल डे है मेरे लिए। एंड यू आर लुकिंग गॉर्जियस। और मैं ठीक है, मेरी सबसे कुछ थोड़ी अच्छी बातचीत शुरू हो गई। पागलों की लगा उसमें लगा। आप अच्छे लग रहे हो, देखो सब जगह आप दिख रहे हो। हमारे स्कूल की लिफ्ट अच्छी है, सब जगह दिखता है। सो गाइज, दिस इज़ माई ब्यूटिफुल वर्किंग प्लेस। और अभी मैं जा रही हूँ सेलिब्रेशन इंजॉय करने के लिए, क्योंकि हमारे लिए सब टीचर्स के लिए कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की गई हैं। सो लेट्स गो। सो गाइज, आज हमें एक टास्क मिला है मदर्स डे पर, कुछ मतलब सेलिब्रेशन हो रहा है, एक्टिविटीज़ चल रही हैं, हम अपना डेकोरेशन भी खुद ही बना रहे हैं। तो मतलब रिसाइकल चीज़ों से हमें कुछ क्रिएट करना है, हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। तो आज मिस फातिमा के दिमाग में, खुराफाती दिमाग में कुछ आया तो हमने चूज किए हैं ढक्कन। ढक्कन ढक्कन जगह पे, ढक्कन से हम पर ढक्कन बनाने वाले। वी कैन डू दैट, वी कैन क्रिएट अ बिगर ढक्कन। लेट्स मेक दैट। तो देखते हैं आज सबसे पहला क्रिएटिव किसका होगा आइडिया। तो अभी हम यहाँ से लेना है ग्लूगन। ग्लूगन निकालते हैं, सारा हमारे पास सामान है क्रिएटिविटी का। तो क्या क्या लेना है? पकड़ पहले। ओके, क्या गिरा है वैसे? वेरी गुड, वेरी गुड। बना बनाया सामान तो है, इसी को चिपका लो, कहेंगे हमारी क्रिएटिविटी है। सारा गिर गया या। ये भी रख ही लेते हैं फिर, फिलहाल ले आएंगे वापस। ये दो प्लेट रख, कुछ इसके ऊपर चिपका के फोटो फ्रेम वगैरह बना देंगे। ठीक है, अभी हम ढूंढ रहे हैं चीज़ें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाए, ताकि हमारा सबसे अच्छा, वैसे कुछ प्राइस है ये बताओ, अगर हमारा सबसे अच्छा हुआ मैं तो ये कुछ भी, मुझे यहाँ दो घूमने के लिए दो तीन चीज़ें चाहिए नहीं, तो हमें कुछ प्राइस मिलेगा? आपको दो थालियाँ और 20 लोगों को मिलेंगे जो कहेंगे वाओ यू आर सो क्रिएटिव। तो देखते हैं आज क्या होता है। चीज़ें मिल गई हैं, हमने बहुत ही रैंडम चीज़ें उठाई, बहुत रैंडमली ऐसी कुछ भी उठा लिया जो भी सामने दिखा। तो देखते हैं इन चीज़ों से हम क्या बना पाते हैं। विंड शाइन्स बना सकते हैं। वो कैसे बनती है? I have zero idea. हाँ, I will support you. Just keep giving me instructions and I'll just follow your instructions. या हम फेक नेल्स भी बना सकते हैं। फेक नेल्स? नेल्स? इससे?
से या रोबोट बना सकते हैं मेरे कपड़ों पे ना आ जाए। ये देखो सारा कुछ मैं आपको सुबह ही दिखा रही थी कि मौसम इतना अच्छा हो रहा है और वाकई आज बारिश हुई है। दिखाती हूँ सारा गीला हुआ है। ये देखो बारिश, मौसम इतना सही हो रहा है। और जब भी ऐसा मौसम होता है ना तो आफ्टर स्कूल हम कोशिश करते हैं हम सीधा घर ना जाकर थोड़ा यू नो घूमते हुए मौसम के मज़े लेते हुए जाएँ। तो आई थिंक हम जा रहे हैं अब गोलगप्पे खाने के लिए और कार खड़ी है फ्रंट गेट पे। मैं वापस से इतना चल के जा रही हूँ विद इतना सारा सामान लेकर। आई स्वेयर मुझे ये लोग ना आज मार देंगे क्योंकि मेरी वजह से ये लेट हो गए और मैं बढ़िया आराम से बैक साइड गेट पर खड़ी हूँ और कार थी फ्रंट गेट पे। बाय द वे मेरा स्कूल इतना अच्छा लग रहा है ना ऊपर से बारिश होने के बाद फ्लावर्स वाओ। अभी देखना मेरे को सुनाते हैं सारे के सारे एक साथ। गाओ गाओ और जोर से गाओ। आज आप जो भी हरकत करोगे ना ब्लॉग में आएगी। मेरे माँ बाप ने मुझे हम आ गए कॉर्निश साइड में। सो गाइस हमारे साथ हो चुकी है चुल। गोलगप्पे की दुकान खुलती है यहाँ 5 बजे और अभी बज रहे हैं 3। तो हमने सोचा हम घर ना जाकर कॉर्निश पे चलते तो हम यहाँ पे बीच के मज़े ले रहे हैं। एक गोलगप्पे के लिए मैंने इतना संघर्ष अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। संघर्ष जद्दोजहद इतना हार्ड वर्क इतना टाइम वेटिंग सबर कसम से सबर का फल टेक्निकली मीठा होता है। 4 बजे खुलेगी वो शॉप। ओके और हम आपको ले जाएंगे रघुवंशी जिसको रजवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है सोफिया ने उसका प्यारा सा नाम रखा है राघव। तो मेरे फ्रेंड्स को यहाँ पिकल से फ्राइज इनके बहुत फेमस हैं तो वो ट्राई करने थे तो हम वो ट्राई करने के लिए आ गए इधर। दिया यहाँ हम बैठने लगे। ये देखो व्यू। चलो अब हमने टाइम पास कर लिया 1 घंटा आराम से यहाँ पे। अब हम जाने लगे हैं वापस अपने डेस्टिनेशन पे। नहीं लेकिन उससे पहले एक डी टूर है। क्या हमारी न्यू बेटी को जो है वो ले जा। Let's go. I'm calorie conscious. बस बस चलो आगे करो। बस ये कर रहे ना ये देखो मैंने इतना पूछा। बस गोलगप्पे नहीं मिल रहे हैं और दुनिया के सारे काम हो रहे हैं। अब हम गोल्ड की शॉप में भी घुस गए हैं। दिखाओ मुझे यहीं से दिख रहा है कैमरे में। यार ये वाला देखो कितना सही देख लेते हैं। इसमें से डिजाइन चूज कर लेना घर जाके ठीक है ज़ूम कर करके। मुझे चाहिए डबल कलर में। देखो ये वाले कितने एलिगेंट लग रहे हैं। गोल्ड तो हमने ले लिया अब हम कपड़े ले रहे हैं। तो रमजान और ईद का डिस्काउंट चल रहा था तो हमने वो भी नहीं छोड़ा हमने ये भी ट्राई किया। हाँ ये वाला इसकी क्या प्राइस है? $450 का डिस्काउंट फ्लैट डिस्काउंट है। मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं सब वीडियोस भेजने वाली हूँ।
अच्छा है तुम तो दिखा भाई लड़की अवेलेबल है रिश्ता के लिए क्या हुआ नहीं नहीं साइज मुझे लूज है उसको अल्टरनेशन करवा लीजिए बस सो गाइज आज हमें 5 दिरहम के गोलगप्पे बहुत बहुत महंगे पड़े हैं टाइम से भी और पैसों से भी अभी सेकंड टाइम पार्किंग ले रहे हैं और उसके बाद हमारी 300 के खर्चे भी हो गए अभी 300 दिरहम आपका और उनका अलग से फाइनली अब हम जा रहे हैं शॉप के अंदर गोलगप्पे खाने अगर अभी भी नहीं मिले ना मैं समीरा मैं परांठा खाऊंगी चुपचाप से और एक और हमारा वो ठंडा हुआ वाला क्लब क्लब सैंडविच जो कि कोल्ड सैंडविच बन चुका है फाइनली गोलगप्पे आ चुके हैं जिन गोलगप्पों के लिए 2 बजे से खुआर हो रहे हैं ये 400-500 दिरहम के गोलगप्पे हैं ठीक है भाई तो ये आगे गोलगप्पे जिस जिसके मुंह में पानी आ रहा है आई एम रियली सॉरी मैंने स्टार्ट करना है मुझे इतने वाह एक गोलगप्पा आप लोगों के लिए चीयर्स एवरीवन नीचे से आपका गोलगप्पा आपकी जिम्मेदारी लीकेज की हर जगह में डाल देंगे सोफिया का काम है किसी को शर्त लगानी है मुझसे गोलगप्पा खाने में यार देने दो वो सूखा बेल था एंड वाला यार वो दही का होता है बाय द वे दही नहीं यहाँ पे सूखा होता है मुझे तो लग रहा है मैं बच्चों को लेकर आई हूँ नहीं मम्मा अब ये चाहिए गाइस हमारा सेकंड ऑर्डर वेज मोमोज मेरे फोन को डिडक्ट हो जाता है बस प्लीज हां वेरी लाइट नहीं सिर्फ इसी का इंतजार सेकंड ऑर्डर इज वेज मोमोज यार उस बेचारे सैड समोसे का भी कुछ कर दो रहेगा तुम लोगों ने तो भाई कुछ और लेकर आप इस टॉर्चर के बाद तो कुछ और बनता है बताता पूरी अच्छी है बहुत अच्छी है वो तो हमें पता ही है यार मेरा पूरा मूड खराब कर दिया इसने ऑनेस्ट रिव्यू मोमोज पानी मत लेके आना बिल्कुल अच्छा नहीं है बहुत सैड है अच्छा नहीं है बहुत नहीं आया है बेचारा ब्रेकअप के बाद वाला मोमो ये इसके बाद ब्रेकअप जरूर कर लेंगे यार एक काम करेगी ये ले जा सोफिया के लिए भी सीमा से ले और थ्री गाइस यार खाओ नहीं कोई चटनी मिसिंग है पांचवा ऑर्डर नहीं आज चौथा ऑर्डर था ये चाय फाइनली फाइनली हमारा कितने का बिल 500 का बिल आज के लिए खत्म हुआ चलो मिस फातिमा से बाय बाय इसी के साथ आज का प्रोग्राम अपने समाप्त पहुँचा तुम इसी के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा बराए मेहरबानी अगले एपिसोड का इंतजार फरमाइए तो अब हम चाय पीते पीते मौसम के मजे लेते हैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन टेक केयर बाय